हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, भैया कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे क्या करना है। सो अभी मैं जा रहा हूँ स्टूडेंट रिएक्शन का वीडियो शूट करने, काइंड ऑफ की स्टूडेंट्स का क्या रिव्यू है, आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे एंड सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको उसी में मिलेंगे। क्या 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 क्वेश्चन पूछूंगा मैं ये अभी आपको मैं रिवील नहीं करूंगा, लेके चलो आपको पूरा वीडियो वॉच करना, सब कुछ उसी में पता चलेगा। मैं अभी जा रहा हूँ स्टूडेंट्स के पास, अभी तो मैं रूम में फिलहाल, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा वहाँ शूट करूंगा वीडियो, तो सारा वीडियो आपको एक ही साथ मिल जाएगा, ये वाला वीडियो से मर्ज होके मिलेगा आपको। तो वही भी चलता हूँ, आपको पूरा बताऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा चीज़ों को एंड वहाँ स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन है एंड कैसे उन्होंने प्रिपरेशन किया था, सब कुछ आपको बताया जाएगा। एंड क्या चीज़ बेस्ट होगी आपके लिए, अगर आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको वो आपको कौन सी फील्ड बेस्ट होगी पूरा बताऊंगा आपके। तो लेके चलता हूँ आपको, और वेट फॉर सम टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाम? गौरव झा, फर्स्ट ईयर BSMS स्टूडेंट एट आइजर भोपाल। नाम? रौनित कमल, फर्स्ट ईयर BSMS स्टूडेंट आइजर भोपाल। मयंक श्रीवास्तव, फर्स्ट ईयर BSMS स्टूडेंट एट आइजर भोपाल। सुंदरम कुमार झा, फर्स्ट ईयर BSMS एट आइजर भोपाल। और सारे जो स्टूडेंट्स हैं गाइस, फर्स्ट ईयर बेसिकली काइंड ऑफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन एंड जो भी स्ट्रेटजीज हैं कॉलेजेस वगैरह, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज कैसा लगा आपको? कॉलेज बहुत अच्छा है, रिसर्च फैसिलिटी, स्पोर्ट फैसिलिटी, क्लब सब बहुत अच्छा है। ओके, अब बेसिकली क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है कॉलेजेस में आके आप? कॉलेजेस में आके लैब होती है। अच्छा, क्या चीज़ लगा बेसिकली, जो ऐसे आपका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और लोग कैसे हैं, आपके सीनियर्स कैसे हैं यहाँ के? सीनियर बहुत हम्बल हैं, बहुत मतलब हेल्पफुल हैं, और यहाँ पे सबसे अच्छी लगी रिसर्च फैसिलिटी और वहाँ पे लैब जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपको कैसा लगा, प्रोफेसर सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं कि पढ़ाई स्टडीज़ में, और कॉलेजेस वगैरह कैसा है? हाँ, प्रोफेसर सब बहुत अच्छे हैं, मतलब अभी तक तो जितने क्लासेस हुए उसमें सब में मज़ा ही आया है, और लैब वर्क भी हुआ है, सब सब अच्छा है। अच्छा, कॉलेजेस में आके बेसिकली जो मोटिव रहता है लोगों का कि कॉलेजेस में जा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है तो रैगिंग वगैरह होगा, तो ऐसा क्या कुछ सीन है ऐसे भोपाल में, कुछ ऐसा आके लगा या फिर कुछ डिसरिस्पेक्ट हुआ आपको या फिर कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा रैगिंग वैगिंग का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे एंटी रैगिंग स्क्वाड है, ऐसे भी सबको मेंटर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हेल्प करेंगे, जो कि जनरली फर्स्ट ईयर वाले को सेकेंड ईयर के मेंटर प्रोवाइड होते हैं, जो कि कोई भी डाउट होगा उनमें मेंटर्स तो बेसिकली कोई सी भी ईयर का प्रोवाइड हो सकता है, लेकिन हाँ आपको जो मेंटर्स अलाउड हुए हैं वो सब ठीक है। एंड बेसिकली आपको जो अकेडमिक स्ट्रक्चर जो यहाँ का और जो बेसिकली अदर जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं? यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अच्छी है, अभी तो सिलेक्शन के टीम चल रहे हैं कि आप जाके दे सकते हैं टेस्ट प्रैक्टिस मैच, तो मैं भी गया था उसके लिए, फुटबॉल के लिए और खो खो के लिए। उन लोग ने गाइड भी किया, कोच आए हुए थे तो गाइड भी किया और बोले कि आगे होगा तो सिलेक्शन हो सकता है। सो बेसिकली मेरा कहना है आपसे भी सेम क्वेश्चन है, कॉलेजेस वगैरह कैसा है एंड आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही है एंड क्या चीज़ मोटिवेशन है यहाँ पे आके फील कर रहे हो आप? कॉलेजेस बहुत अच्छा है, स्पेशली इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की, जिसमें मेरा मोटिव है, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जाके आगे PhD करना चाहता हूँ, जो कि इसमें आइजर भोपाल में बहुत ही अच्छा है। क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है बेसिकली इस कॉलेजेस में आके कि ये कॉलेजेस प्रेफर मेरे लायक है कॉलेज और मैंने सही चीज़ चूज़ किया हुआ है? एक्चुअली इसका इनोवेशन और लैब इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि मुझे मोटिवेट करती है, इसको मोटिवेट जो ये चीज़ करती है। और क्या चीज़ मतलब क्या करियर के किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, जॉब प्रोस्पेक्टिव से कि प्लेसमेंट से फिर अकेडमी में जाना चाह रहे हो? जॉब के लिए तो एक्चुअली नहीं, मैं PhD के लिए जाना चाहूँगा। बेसिकली अकेडमी में इंटरेस्ट है? अकेडमी में इंटरेस्ट है। सो कौन से सब्जेक्ट में बेसिकली इंटरेस्ट है आपको, काइंड ऑफ की सब्जेक्ट जैसे आप इसके सब्जेक्ट के तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड हो, इंटरेस्ट क्या है एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उस सब्जेक्ट्स को लेकर? मैं अभी केमिस्ट्री में मेजर करना चाहता हूँ, केमिस्ट्री। हाँ, उसके बाद मेरा PhD के लिए इंटरेस्ट है, PhD के लिए इंटरेस्ट है। एंड क्या आपने फ्यूचर प्लान किया है कि जैसे बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि मेरे को PhDs वगैरह यहाँ से करनी है एंड काइंड ऑफ की, तो क्या सोचा है इस बारे में? मेरा है फर्स्ट फिफ्थ ईयर में BSMS करने के बाद PhD के लिए कहीं एब्रॉड या इंडिया में ही अप्लाई करने का, और PhD करने के बाद एकेडमिक्स में। ओके, केमिस्ट्री की बेसिकली किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है? फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में। ओके, सो
आपका जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ उस सब्जेक्ट को आपको मोटिवेट करती है, कि आपका पैशन क्यों है वो सब्जेक्ट बेसिकली? मेरे को फिज़िक्स और मैथ दोनों अच्छे लगते हैं। फिज़िक्स इनिशियली था, लेकिन मैथ अभी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन दोनों में जैसे कोई भी मैथ की बात करें तो कोई भी कंसेप्ट आया तो उसको बिल्कुल ज़ीरो से बस एक्जियम्स के सपोर्ट पे पूरा एक्सप्लेन करते तो वो समझने में बस अच्छा लगता है। फिज़िक्स में भी वही मतलब जो कंसेप्ट समझते हैं तो वो समझने का प्रोसेस अच्छा लगता है कि हाँ कुछ किया ऐसा। जैसे कि आईसर्स भोपाल में ही सिर्फ नहीं कि सारे आईसर्स में लगभग अब्स्ट्रैक्ट मैथ्स है, टोटली अप्लाइड नहीं है। जैसे कि फॉर्मूला पुट करो और अप्लाई करो, क्योंकि देखो अगर आप पहली बात तो किस प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, आपकी जॉब में जाना है आपको कि अदर चीज़ में जाना है? अकेडमिया ही सोच के आए हो आप, तो बेसिकली आपको अब्स्ट्रैक्ट मैथ्स कैसा लगेगा? अगर जैसे सेकेंड ईयर में आप जाओगे तो आपका एक कोर्स आएगा ग्रुप्स एंड सिमेट्री, तो अब्स्ट्रैक्ट मैथ्स के लिए वैसे आपका क्या रुझान मतलब काइंड ऑफ? अभी एब्स्ट्रैक्ट मैथ तो मेरे को पता नहीं क्या होता है, पहले आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो चीज़ों को कि एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स होता कैसा है। हाँ, लेकिन अगर जैसे अप्लाइड से मेरे दिमाग में जो आ रहा है कि अप्लाइड में थ्योरेटिकल कम होगा तो मैं तो थ्योरेटिकल ही ज़्यादा चाहता हूँ। थ्योरेटिकल आप ज़्यादा चाहते हो? हाँ। ओके, सो ऑल द बेस्ट, हो सकता है अच्छा हो। आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, क्या चीज़ मोटिवेट करती है सब्जेक्ट्स को लेकर? मुझे इंटरेस्ट है मैथ्स एंड डेटा साइंस में, और यहाँ पे तो मैथ्स के जो सर मिले हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट किए हैं पढ़ाना, सेट से एकदम स्टार्ट किए हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा अभी स्टार्ट हुआ था, सेट से स्टार्ट करके एकदम आगे तक मतलब हाई तक जाने वाले हैं वो। और डेटा साइंस तो ऐसे भी अभी चल रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है डेटा साइंस, तो उसमें उसके कारण इंटरेस्ट है, कोडिंग इंटरेस्ट है, तो डेटा साइंस है ही इंटरेस्ट। ओके, जो जैसा कि इन्होंने ही बताया कि फिजिक्स और मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपने बताया कि मैथ्स और डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, तो क्या मैं आपसे से पहले जान सकता हूँ कि कोई एक सब्जेक्ट क्यों नहीं? देखो इंटरेस्ट अगर आप दो सब्जेक्ट में, तो या तो आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो दोनों में से किसी चीज़ को, या फिर कोई एक में इंटरेस्ट हो अच्छा जिसमें आप कर पाते हो। मतलब अभी एकेडेमिया लेने का रीज़न ये है कि पढ़ने में अच्छा मज़ा। एक्सप्लोर क्या चीज़ करना चाह रहे हो, फिजिक्स और मैथ्स दोनों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि आप बाद में जाके डिसाइड करो कि मेजर क्या लेना है? दोनों को अभी एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, लेकिन इंक्लाइनेशन फिजिक्स की तरफ, क्योंकि फिजिक्स ऐसे मेरे को लगता है कि मेरा सेफ स्पॉट है, उसमें मैं अच्छा कर लूँगा। आपका जैसे डेटा साइंस है, यहाँ पे डेटा साइंस से बहुत अच्छे कोर्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया जिसका आजकल डिमांड है, कंप्यूटर विजन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब का डिमांड ज़्यादा है, तो आपका रुझान डेटा साइंस और मैथ्स में ही, मतलब दोनों में से किसी एक पे क्यों नहीं मतलब? अभी एक्सप्लोर तो किए नहीं है, पर यहाँ पे आके ऐसे एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स है तो थ्योरेटिकल मैथ्स, ऐसे हम लोग 11, 12 जितना भी है कैलकुलेशन बेस्ड मैथ्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 4 साल है, मतलब 2 साल है, अभी एक्सप्लोर करते हैं कि अगर इंटरेस्ट ज़्यादा आता है मैथ्स में मैथ्स मेजर ले लेंगे, अगर नहीं आता है तो डेटा साइंस। ओके, तो आपका आप दोनों का आइडिया अच्छा है कि एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। आपका क्या बेसिकली क्या सोचा है मेजर लेने को, मोटिवेट क्या कर रही चीज़? मुझे बायोलॉजी लेनी है मेजर में, इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव में PhD करूँगा, न्यूरोसाइंस से करना चाहता हूँ, जो कि इंडिया में बहुत कमी है ऐसे, मतलब ब्रेन की डॉक्टरों और उसकी कमी है, इसीलिए मैं न्यूरोसाइंस में भी अब्रॉड में PhD के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ओके, सो ये तो आपके फ्यूचर प्लान्स हो गए, तो बेसिकली अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आईसर में आने से पहले, मतलब जब आपको आईसर अलॉट हुआ था आप सबको, तो कब कैसा फील हुआ था, एंड आपके पेरेंट्स ने कैसा फील किया था उस टाइम पे? आईसर अलॉट हुआ था तो मैं इसको फर्स्ट ही ऑप्शन रखा हुआ था, आईसर मिलेगा तो एडमिशन लेने का, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पहले से एक बैक ऑफ द माइंड ऑप्शन था कि आईसर लेना है। तो पेरेंट्स को कैसा फील हुआ जब आईसर मिला था? पेरेंट्स को इसके बारे में पहले से ही पता था, तो उनका एज सच मतलब कुछ एक्स्ट्रा मतलब वो चाह रहे थे कि हम रिसर्च में ही जाएं, तो इसलिए आ गए। पेरेंट्स चाह रहे थे रिसर्च में जाएं, लेकिन उन्हें अच्छा लगा होगा कि मतलब काइंड ऑफ अच्छा था, ऑब्वियसली अच्छा लगा था, रिजल्ट आया था, सिलेक्शन हुई थी, अच्छा लगा था। ओके, आपका मतलब काइंड ऑफ की पेरेंट्स और आपको कैसा फील हुआ था जब आपको कॉलेज अलाउट हुआ था? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन पेरेंट्स उतना जानते नहीं थे कॉलेज के बारे में, तो देखो जिनके जानते नहीं उनको ज़्यादा खुशी होती है कि मेरा बच्चा यहाँ पे जा रहा है, तो कैसा फील हुआ था बेसिकली? हाँ, वो सब के लिए तो खुशी थे, मतलब पहले इसके सिलेक्शन के पहले हर टाइम पर थोड़ा टेंस रहता था, लेकिन जब हो गया था तो मतलब सबके ऐसा चेहरे पर स्माइल रहता था, लगता था। आप पेरेंट्स और आपका क्या रिएक्शन था कॉलेज मिलने के बाद? पहले तो पेरेंट्स को पता नहीं था, लेकिन जब कॉलेज अलॉट हुआ तो पेरेंट्स ने रिसर्च किया कि कॉलेज कैसा है, तो उन रिसर्च में पता चला कि कॉलेज अच्छा है, नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिला हुआ है और रिसर्च में बेस्ट है, इवन IIT से भी बेटर है, तो ऐसे भी मेरे को रिसर्च में बचपन से इंटरेस्ट था, तो पेरेंट्स अलाउ कर दिए।
ओके सो बेसिकली आपका और आपके पेरेंट्स से क्या रिएक्शन था कॉलेज में, कैसा फील कर पा रहे हैं थे आप उस टाइम पे? मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे, वो काफ़ी मुझसे भी ज़्यादा खुश थे मुझे अलॉट होने के बाद एक्चुअली में, और उन्होंने पता भी लगा तो पहले तो उनको मालूम नहीं था, जब एग्ज़ाम मैंने दिया तब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता लगा ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है रिसर्च के लिए, इवन IIT से भी अच्छा है, देन वो बहुत खुश हुए। IITs बेसिकली टेक के फील्ड में टॉप पर होती हैं, जैसे को अगर BTech या इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो टेक के फील्ड में टॉप पर होती हैं। आप लोग बेसिकली रिसर्च के लिए यहाँ पे आए तो आई थिंक सब पेरेंट्स ज़्यादा खुश होते हैं बिकॉज एट द टाइम ऑफ एंड कि मेरे पेरेंट्स को भी इतना नॉलेज नहीं था कि इन सब चीज़ों के बारे में, तो पेरेंट्स को ऑब्वियसली खुशी होती है। एक चीज़ जो सभी बच्चों जानना चाहते हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप एज अब सीनियर हो सारे स्टूडेंट्स के, तो क्या चीज़ गाइड करना चाहते हो सभी सीनियर्स को कि मतलब जूनियर्स को अपने कि कैसे प्रिपरेशन करें, एंड क्या आप लोगों ने कोई प्रेशर फील किया हो तो क्या आप क्या सजेशन दोगे कैसे प्रिपेयर करनी है? प्रिपरेशन के लिए आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट करके आता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट तो सबको पता है, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट और JEE के लिए आपने किस प्रकार से प्रिपरेशन की थी अपनी, कैसे आपका शेड्यूल था, किस तरह से किस चीज़ को प्रिपेयर करते थे? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी चार सब्जेक्ट थे, कैसे आपने प्रिपेयर किया? मैं PCMB बैकग्राउंड से था इसलिए मेरे लिए थोड़ा आसान था, मतलब एग्ज़ाम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी चारों आते हैं तो मेरे लिए थोड़ा आसान था, तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऑब्वियसली किया हुआ था, ये मेन सब्जेक्ट में था, बायोलॉजी एक्स्ट्रा में था तो NCERT मैंने किया था, शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर किए थे तो एग्ज़ाम में अच्छा रहा था। मतलब अगर कोई स्टूडेंट NCERT तो के कॉन्सेप्ट सारे अच्छा समझ के आ जाए, प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के आ जाए, तो आपका क्या मानना है कि सिलेक्शन 100%? हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब अच्छे रैंक से हो जाएगा यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और NCERT से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सब कुछ कर रहे हैं तो सिलेक्शन। तो घर में कोई ऐसा मेंटल प्रेशर था उस टाइम या फिर कोई स्ट्रेस आप उस टाइम फील कर पा रहे थे कॉलेज मिलने से पहले ही, क्या हो रहा था? ऑब्वियसली मेंटल प्रेशर तो होता ही बिकॉज 12th जब आप पास आउट हो जाते हैं तो मेंटल प्रेशर होता है कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कैसा फील कर रहा था उस टाइम प्रिपरेशन करने के साथ साथ? प्रिपरेशन करने के साथ साथ एक माइंड में था कि मतलब अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा रैंक आए, यही था एक्सपेक्टेशन, मतलब खुद हाई था या कुछ अच्छा रैंक मिले उसी से, तो आईसर मतलब मेरा फर्स्ट ही प्रिपरेंस था कि आईसर में एडमिशन लेना है। ओके चलिए कॉन्ग्रेट्स, आपको आईसर मिल गया आखिरकार, तो आप तो खुश हो गई। हाँ थैंक यू। तो अब आपने कैसे प्रिपरेशन किया था बेसिकली कि मतलब किस चैनल के थ्रू आए हो आप? आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू आए, तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया था? आपका मैथ्स बैकग्राउंड था बेसिकली क्लास 12th में? जी मैथ्स बैकग्राउंड था। सो आप बायो वाले जो स्टूडेंट हैं उनको क्या रिकमेंड करोगे कि मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें? आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया था, आपने स्पेशली बायो कैसे प्रिपेयर किया था, ये सब बताना चाहेंगे आप जूनियर्स को? बायो में तो मैंने बस 2 चैप्टर पढ़ पाया था, लेकिन एक्चुअली और पढ़ना चाहिए था, मैंने पढ़ा नहीं। तो आप क्या सजेशन दोगे इसके बाद स्टूडेंट्स को कि बायो के चैप्टर्स क्या करें, पढ़ें कि छोड़ दें? मैं रिकमेंड करूँगा कि पढ़ लें, जैसे कि एक तो जैसे आज इस साल का जो पेपर था, और हर साल में एक या दो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 9th-10th वाली जो बायो होती है उससे ही आ जाते हैं, तो और मतलब एक कम से कम तो होता ही है वैसा। बेसिकली क्या अगर आप मैं कहूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर बायो का लगा के चला जाए, एंड जो चैप्टर्स मैंने बताए थे स्पेशली जो वो आए थे काइंड ऑफ जो चैप्टर्स मैंने बता के रखे थे कि जेनेटिक्स हो गया एंड सेल हो गया, सेल बायोलॉजी, मैंने बायो उतना पढ़ा ही नहीं था तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया पूरा। ओके कोई बात नहीं। सो फिलहाल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसा आपने प्रिपरेशन किया था, एंड जो चैप्टर्स काइंड ऑफ की थोड़ा बहुत मैंने बताए थे उसमें से क्वेश्चन शायद डेफिनेटली 100% PCM मैंने तो ये क्या JEE की प्रिपेयर कर रहा था तो वैसे ही किए थे PCM, और केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी, और हाँ जो 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 इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायो मॉलिक्यूल्स हो गया, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिले ही होंगे अगर आपको जहाँ तक याद आ पा रहा हो तो। अभी तो याद नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। बेसिकली आपका क्या आपका भी सेम है इनकी तरह आइडिया है कि अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लें एंड NCERT करके जाएँ तो हो जाएगा? फिजिक्स और मैथ में तो लाइक NCERT से हो सकता है आपको 3-4 क्वेश्चन आप कर लें, क्योंकि जैसे एक आ जाता है ना इस साल तो इजी पेपर था तो वो इजी वाले इस साल का सबसे इजी पेपर आया हुआ था, तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे? नहीं नहीं वो आपको कोई कोचिंग फॉलो करना चाहिए, अब तो मतलब ऑनलाइन हो गया तो वो बहुत अफोर्डेबल भी हो गया, और क्योंकि NCERT में सारे कॉन्सेप्ट भी नहीं होते उतना लेवल पे, आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं होते हैं तो वो शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ओके
जो जैसा कि आपने कहा कि कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन कर लो एंड क्योंकि आजकल अफोर्डेबल हो गया, लेकिन इंडिया में अलॉट ऑफ स्टूडेंट पढ़ते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको आप कैसे बोलना चाहेंगे, किस तरह प्रिपरेशन करें उनको? हाँ, जैसे मैं भी स्टार्टिंग में 11th में मेरे को जेई के लिए पता नहीं था, तो मैं खुद से ही जो मेरे को बुक्स मिले थे वो उनसे पढ़ रहा था, क्योंकि उस टाइम कोविड भी था। तो वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उतना मुश्किल नहीं है समझना। जैसे मैथ में भी मेरे को अरिहंत मिला था, तो आप बस चैप्टर पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब तो जो आपको मुश्किल होगा तो आप ट्राई करिए इधर उधर आपके कोई जान पहचान में जो आपको थोड़ा वो एक्सप्लेन कर दे वो कॉन्सेप्ट, तो आप मतलब खुद से बुक से पढ़ के, क्योंकि जैसे अब बुक्स बहुत अच्छी आ गई हैं, मतलब जो पूरा सारे कॉन्सेप्ट्स बता देती हैं, सारे प्रॉब्लम्स दे देती हैं, ऐसे बुक्स आ गई। तो आपका क्या मानना है कि जैसे जेई के लिए जो स्पेशली बुक्स बनाई गई हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए, तो चलो वो स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका मानना है कि आईसर्स के लिए, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए क्या स्पेशली बुक बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आई थिंक मतलब जैसा मैथ में 2-3 क्वेश्चन मेरे को याद है, जैसे उनमें जेई में हमारा पर्सपेक्टिव होता था कि प्रॉब्लम दिखा तो बस एक डिजिट आंसर की तरफ जाना चाहते थे, और जो लोग एडवांस करते हैं उनका ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उनका थोड़ा अच्छा होता है। जैसे वही एडवांस वाला पर्सपेक्टिव है, जैसे कि मेरे को 2-3 क्वेश्चन जैसे याद है मैट्रिक्स वाले, उनमें हम लोग को वैल्यू डाल के चेक करना पड़ता था। तो जैसे होता है ना साइंटिस्ट का दिमाग कि डाल के ट्राई करते हैं, पैटर्न देखते हैं, पैटर्न रिकग्नाइज करते हैं, उस टाइप के वो प्रॉब्लम्स शायद जेई में उतने शायद नहीं होते हैं, तो उनको PYQ करने चाहिए। और अगर ऐसी आईसर के लिए बुक बन जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़े अलग होते हैं, बहुत तो नहीं बोलूँगा, एक दो अलग आते हैं, क्योंकि आईसर्स का जो पेपर होता है वो जेई मेन से टफ आता है। हाँ, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। सो बेसिकली आपने कैसे प्रिपरेशन की थी जेई के लिए एंड जेई और आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस चैनल के थ्रू आए हो? मैंने IIT चैनल के थ्रू आया हूँ। तो आप किस तरह से प्रिपरेशन किया था आपने, एंड क्या आप मैथ्स वाले हो तो किस तरह से गाइड करोगे आप जूनियर्स को कि बायो वाले जो हैं कि वो बायो को इस मैथ्स इस तरीके से पढ़े, एंड आपने बायो किस तरह से प्रिपरेशन की थी? मैंने बायो तो ज़्यादा चैप्टर तो पढ़ी नहीं थी, एक दो चैप्टर ही पढ़ ली थी, जैसे कि जेनेटिक्स होता है, एक रिप्रोडक्शन चैप्टर थी तो वो मैंने पढ़ ली थी, और मेरे से क्वेश्चन ज़्यादातर बायो में एक ही दो हो पाए थे, ज़्यादा बन नहीं पाए थे। और वैसे भी इस बार का पेपर इजी था, तो अगर इस बार अगर कोई NCERT पढ़ के जाता है तो उसका सिलेक्शन तो गारंटीड है, क्योंकि और कंसेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए। तो अगर और प्रीवियस ईयर देखा जाए तो जैसे पिछले बार 2022 का पेपर बहुत टफ आया था, मतलब लिटरली टफ था, तो उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके रखता है। तो उससे क्या है कि आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी आप काइजर का एग्ज़ाम निकल सकते हैं। यदि आप कहना चाह रहे हो कि आईसर्स के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं अगर वो पढ़ें एंड जो NCERT अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ें, और साथ साथ अगर बच्चा जेई की प्रिपरेशन कर रहा है एडवांस के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कर ले, तो आईसर में एडमिशन 100% श्योर आपकी हो जाएगा? हाँ, तब तो हो ही जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो। ओके, सो बेसिकली आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को कैसे प्रिपेयर किया था? मैथ्स के लिए तो मैथ्स मेरा पहले से जितना भी पढ़ाया जा रहा था कोचिंग में वो मैं अच्छे से पढ़ रहा था, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट भी था। फिजिक्स के लिए जो था ये एक बुक आती है सिंगेज की, वो मैंने पढ़ी थी, और केमिस्ट्री मैंने NCERT पे ही स्टिक रहा था, क्योंकि उससे बाहर अगर जाऊँगा तो टाइम वेस्ट होगा, रेलिवेंट पढ़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये है कि रेलिवेंट पढ़ना चाहिए। तो आपसे भी सेम सवाल कि क्या आपको मानना है कि आईसर्स के लिए एक बुक्स होनी चाहिए स्पेशली, जैसे JEE और उसके लिए होती है, नीट के लिए होती है? हाँ, आईसर्स के लिए एक बुक तो होनी चाहिए, क्योंकि आईसर्स में ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड नहीं रहता है, थिंकिंग बेस्ड रहता है क्वेश्चन, तो उसके लिए एक बुक होनी चाहिए। वैसा JEE में देखा जाए तो हार्ड कैलकुलेशन रहता है, लेकिन JEE एडवांस में थोड़ा सा थिंकिंग स्किल उसमें रहता है, तो आईसर्स के लिए एक बुक तो होनी चाहिए। आपने किस तरह से प्रिपरेशन की थी, आप कौन से उससे हो, बायो से हो कि मैथ्स से हो? मैं बायो से हूँ और मैंने IIT से IIT से किया था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कैसे प्रिपेयर किया था, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं वो बायो कैसे प्रिपरेशन करें, आप पहले इस पर क्या बोलना चाहोगे? बायो के लिए तो NCERT और प्लस जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट है IIT में 60 और 50+ स्कोर करने के लिए। और मैथ वाले कुछ मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे कि जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन और एक हार्मोनल कंट्रोल, सेल बायोलॉजी, ये 2-4 चैप्टर पढ़ के चाहिए, तो उससे 2-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मैथ वालों के। आपने मैथ्स कैसे हैंडल किया था?
मैथ्स का एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो बेसिक मैथमेटिक्स से कुछ मिल रहा था ओके मतलब मैथ्स इतना अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे मतलब काइंड ऑफ ओके फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या सजेशन है आपका कि कैसे पढ़ें? हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी प्लस वो टीचर जो पढ़ा रहे हैं और जो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं वो सफिशियंट है, और फिजिक्स के लिए पीवाईक्यू तो एक्चुअली सारे के लिए इम्पोर्टेंट है, फिजिक्स के लिए भी टीचर का नोट्स प्लस जो प्रीफर कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस के लिए वो ओके। सो बेसिकली आपसे सेम क्वेश्चन पूछूं जो इन दोनों से पूछा था कि आईसर्स के लिए क्या मानना है आपको, बुक होनी चाहिए? हाँ डेफिनेटली एक बुक तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर नेट पे सर्च करोगे कहीं भी तो आईसर्स के लिए कोई स्पेशली बुक नहीं बनाई गई है। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी नहीं मिलते, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन भी नहीं मिलते हैं, तो आपका मानना है कि होनी चाहिए बुक? हाँ एकदम होनी चाहिए। सो मेरा भी काइंड ऑफ मानना भी यही है, एक जो होना चाहिए जैसे बच्चे का जो लेवल होता है वो काइंड ऑफ की प्रैक्टिस के लिए कोई ना कुछ होना चाहिए मोटिव। सो अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आप लोग ने जिस तरह प्रिपरेशन की थी तो किसी टाइप का मेंटल प्रेशर आप तीनों में जैसे कोई बताए कि कैसा मेंटल प्रेशर होता है फैमिली का या कुछ का? मेंटल प्रेशर तो होता ही है क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया था तो थोड़ा सा डिप्रेशन भी होता था प्रिपरेशन करते वक्त, क्योंकि बाहर तो ज़्यादा जा नहीं सकते थे, क्लासेस सुबह 9 बजे शाम 6 बजे तक रहती थी, तो वैसे फैमिली का सपोर्ट था तो ज़्यादा डिप्रेशन ये सब उतना था नहीं, तो मैनेज हो गया था। ओके ओके, आप लोग का भी हो सकता है सेम हो कि आप कुछ कहना चाहोगे इसमें? वो खुद हैंडल करना पड़ता है, मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट दिख रहा है तो आपको उतना नहीं, अगर आप खुद ही गलती जैसे आप प्रोकेस्टिनेट करते रह रहे हो तो आपको वो मेंटल प्रेशर ज़्यादा लगेगा आपको, तो अगर okay. आप पढ़ोगे तो आपको उतना प्रेशर नहीं लगेगा। ओके ओके, जैसा कि बहुत सारे लोग इंडिया में जेई का एग्ज़ाम देते हैं, उनका मेन एम एडवांस होता है, एडवांस के बाद उनका मेन एम IITs होता है, तो IITs में जो बच्चे जाते हैं टेक ओरिएंटेड जाते हैं, कुछ करते क्या हैं कि एज अ सेकेंड ऑप्शन आईसीएस को रख लेते हैं, तो होप्स हो कि हो रखना चाहिए, मैं इससे टोटली अग्री करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप सबसे कि आईसर्स बेसिकली आप किस ओरिएंटेड एंड किसको आना चाहिए बेसिकली आईसर्स में? हम समझते हैं कि आईसर में यदि आपका रिसर्च के में इंटरेस्ट है तो आप आईसर डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया ये आईसर। जैसे कि इंडिया में सिर्फ केवल 7 इंस्टीट्यूट्स हैं एंड वन इज़ नाइसर एंड ISC बैंगलोर, ठीक है, तो इंडिया में 7 आईसर्स हैं, नाइसर और ISC बैंगलोर हो गया, तो यही 7 या 8 गिने चुने इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आपका मानना है कि जिनका बेसिकली हार्ड और इंटरेस्ट है रिसर्च में वो आ सकते हैं, या फिर जिनका टेक में और साथ में हो सकता है कि थोड़ा बहुत रुझान हो रिसर्च की तरफ वो आ सकते हैं आईसर्स में? ये टेक में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके ब्रांच है जिसमें आप टेक के रिलेटेड भी रिसर्च कर सकते हैं। टेक में अगर बेनिफिट चाहिए तो क्या प्रेफर करोगे, IITs की आईसर? IITs डेफिनेटली प्रेफर करेंगे। ओके सो आपका क्या पॉइंट होगा कि आईसर्स में बेसिकली क्या किस इंस्टूडेंट को ओरिएंटेड होना चाहिए, किस लिए आना चाहिए आईसर्स में? मतलब अगर आपको मेन गोल प्लेसमेंट है और स्टेबिलिटी है तो शायद आईसर थोड़ा रिस्की हो सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ से देखो प्लेसमेंट्स वगैरह तो होता है यहाँ पे, प्लेसमेंट्स वगैरह होता है लेकिन रिस्की की बात नहीं है, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आ जाते हैं बाद में वो यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं बिकॉज आईसर्स का करिकुलम डिफरेंट होता है एज़ कम्पेरिजन टू IIT एंड IITs से, तो आप क्या प्रेफर करना चाहोगे कि आईसर्स में किसको आना चाहिए बेसिकली, जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर कोई भी आ सकता है ऐसे, मतलब काइंड ऑफ जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा बेटर होगा हैंडल करना, जिसको नहीं इंटरेस्ट है उसको और एक्स्ट्रा मतलब मुश्किल होगी ज़्यादा उसको। ओके क्योंकि देखो यहाँ पे कंप्यूटर आईसर भोपाल में डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, तो आप क्या प्रेफर करोगे जिसको कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में इंटरेस्ट हो, IIT आए कि यहाँ पर आए? वो उस पर डिपेंड करता है, मतलब अगर उसको जैसे रिसर्च में इंटरेस्ट है इस फील्ड में डेटा साइंस की, या फिर अगर उसको जॉब चाहिए डेटा साइंस फील्ड में तब तो उसको IIT जाना चाहिए, लेकिन अगर उसको डेटा साइंस की फील्ड में IIT देखो IITs में तो होता है लेकिन कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में दोनों जगह लगभग सेम है, तो आई थिंक मेरा मानना तो यही है कि अगर आप सिर्फ डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, तो आप किस पर क्या कहना चाहोगे? इस पर तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है। ओके तो आपको क्या मानना है कि आईसर्स में बेसिकली किस चीज़ का
जिसको रिसर्च में इंटरेस्ट है वो आईसर में आए, वरना अगर जैसे प्लेसमेंट भी यहाँ पे है लेकिन जनरली लोग पीएचडी के लिए प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग सेकंड ऑप्शन रखते हैं आईसर्स को कि नहीं मिलेगा तो आईसर्स जाएंगे, तो उनको आप कुछ कहना चाहोगे? कि स्टेट अवे तो आप मना नहीं कर सकते हो किसी को भी कि मत आओ, लेकिन आप कुछ कहना चाहोगे कि अगर वो आ रहे हैं ऐसा सेकेंड ऑप्शन लेकर के तो क्या क्या सजेशन होगा? आ रहे हैं अगर वो सेकंड ऑप्शन लेके तो वैसे भी ख़राब नहीं, क्योंकि आईसर इक्विवेलेंट टू आईआईटी है और रिसर्च में अगर देखा जाए तो आईसर्स बेटर हैं आईआईटी से, और आपका प्लेसमेंट भी यहाँ पे हो रहा है, पर जनरली लोग पीएचडी के लिए जाते हैं क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड पीएचडी में ही मिलते हैं। ओके, आपका क्या कहना है इस पॉइंट पर कि जो मैंने सबसे क्वेश्चन पूछा कि क्या मानना है? हाँ, जो जो रिसर्च के लिए आना चाहते हैं वही है, बस सीट ना वेस्ट करें। देखो बात सीट की तो नहीं है, देखो सेकंड ऑप्शन तो मोस्टली लोग प्रेफर करेंगे ही, तो सेकंड ऑप्शन जो लोग आ रहे थे उनको आप क्या कहना चाहोगे कि अपने आप को मेंटली किस तरह से प्रिपेयर करके आना चाहिए अगर आईसीएस में आ रहा है? आए तो मेंटली अब साइंटिफिक मैनर में है, मीन्स साइंटिफिक एक इनोवेटिव टाइप का इसका करिकुलम है, रिसर्च ओरिएंटेड। बिकॉज सेमेस्टर 6 महीने का होता है आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर सेमेस्टर बेस रेगुलरली 4 महीने में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? सो आप क्या, बिकॉज अकेडमिक करिकुलम यहाँ का थोड़ा सा अलग है, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो सेकंड ऑप्शन लेकर आ रहे हैं? जो सेकंड ऑप्शन लेके आ रहे हैं मैं उतना तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा जरूर जो रिसर्च के लिए है ये बना हुआ, और अपना ब्रेन को भी थोड़ा आईआईटी की तरह मत सोचिए जो 2 दिन पहले ही पढ़ के पास हो जाएंगे एग्जाम को। देखो आईआईटीज में भी 2 दिन पहले पढ़ के तो कोई पास नहीं होता है, लेकिन फिर भी सजेशन होप्स हो कि अच्छा दिया आप लोगों ने। सो वन एंड लास्ट थिंग कि आने के बाद आप स्पोर्ट्स वगैरह में, बेसिकली जो स्पोर्ट्स वगैरह आपने देखा, क्लब एक्टिविटीज़ देखी होंगी, तो क्या कुछ ऐसा लगा जो आपको मानना है कि आप सबको कि आईसर्स में ये चीज़ बदलनी चाहिए कुछ ऐसा? नहीं आईसर्स कुछ नहीं थे, सब फैसिलिटी अच्छा था। आपका कुछ ऐसा मानना है कि आईसर्स में ये चीज़ होनी चाहिए अलग से कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर कैफेटेरिया हो या आपका लैब्स हो या फिर अकेडमिया हो? लैब्स में जैसे अभी हम लोग को जो लैब हुआ है उसका थ्योरी हम लोग उतना डिटेल पढ़े नहीं थे, लेकिन वो हमने लैब पूरा कर लिया है, तो आई थिंक अगर लैब ऐसे शेड्यूल ऐसे डिज़ाइन होता है फर्स्ट ईयर्स में लैब जो मिलता है आपको तो वो काइंड ऑफ नॉर्मल लैब होता है, जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो तो आपको हाई क्वालिटीज़ जो मेन रिसर्च लैब्स होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपका इस पर क्या हुआ है? तो तब तो उसको छोड़ के तो ऐसा कोई मेरे इश्यूज अभी तक तो नहीं दिखा सबसे। आपका कुछ ऐसा पॉइंट? ऐसा तो कोई इश्यूज नहीं है यहाँ पे, सारे स्पोर्ट्स भी अच्छे ही हैं और लैब भी अच्छे ही हैं, और यहाँ पे क्लब एक्टिविटी भी सही हो रहा है। मैंने भी ज्वाइन करने का भी सोचा नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेम के बाद ज्वाइन करूँगा क्योंकि अभी बिकॉज क्लब एक्टिविटीज़ में तो आईसर भोपाल का मैं बताऊँ तो आप लोग आईसर भोपाल के स्टूडेंट हो, क्लब एक्टिविटीज़ में नेक्स्ट ईयर ही आप मेंबर बन सकते हो क्लब के, वैसे अगर टॉक वगैरह होती हैं तो आप अटेंड कर सकते हो, तो आप क्या बनना चाहोगे किसी क्लब का मेम्बर कोई भी? हाँ, जैसे कि कोडिंग क्लब है उसका मैं मेम्बर बनना चाहता हूँ, और अभी तो डिसाइड नहीं किया। मैथ्स क्लब एज अ कोऑर्डिनेटर आप देख रहे हो, क्लब का कोऑर्डिनेटर या फिर क्लब का एडवाइज़र आप देख रहे हो खुद को इन फ्यूचर? हाँ देख तो रहे हैं, जैसे कि अभी जन्माष्टमी हुआ था यहाँ पे तो उसका टेक टीम में मैं था, तो जन्माष्टमी पहली बार करवाया गया था आईसर भोपाल में जो कि बहुत अच्छा हुआ था, इस्कॉन टेम्पल से भी आए थे सारे लोग, तो इस बार अच्छा मतलब आईसर भोपाल में सब चीज़ अभी अच्छा चल रहा है। ओके, सो बेसिकली फेस्ट वगैरह कैसा है यहाँ पे आईसर भोपाल का? आपने आप लोग अभी आए हो तो एक ही दो फेस्ट देखा होगा, बेसिकली अब यहाँ पे अक्टूबर में सिंगुलैरिटी आने वाला है, देन जनवरी में आपका इंथूजिया होगा जो सबसे फेमस होता है आईसर भोपाल का, तो आप फेस्ट वगैरह अभी आपने जितना इंजॉय किया था आपको कैसा लग रहा है? फेस्ट अभी एक ही दो इंजॉय किया होगा आपने तो कैसा लग रहा है? फेस्ट अभी फ़िलहाल अच्छा ही है, आगे आने वाले सुन रहे हैं सीनियर सब लोग से वो बहुत ही अच्छा है, तो फर्स्ट इनका बहुत अच्छा है। ओके, तो होप सो कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, एंड वन एंड काइंड ऑफ की थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया एंड अपने जूनियर्स को गाइड किया, तो थैंक यू सो मच सभी को, थैंक यू सो मच। सो गाइज विश यू हैप्पी जन्माष्टमी अगेन, बाय बाय।